हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑसेंसी आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या इनकम रेशो जिसे बोलते हैं ये अकाउंटिंग रेशो की लास्ट रेशो बनती है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको तीनों रेशो कवर करा दी है लिक्विडिटी रेशो सोल्वेंसी रेशो एक्टिविटी जिसे टर्न ओवर रेशो बोला जाता है हर एक रेशो को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से विद एग्जाम्पल कवर कराया हुआ है अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स कंसिस्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो का मतलब क्या होता है कहते जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है सभी बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट कमाना होता है यानी कि जो भी बिजनेस बनाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रॉफिट कमाना होता है जो प्रॉफिट होते हैं उसको मेज़र किया जाता है क्या जब प्रॉफिट एक मेजरमेंट होता है किसके लिए एफिशिएंसी हो बिजनेस के लिए यानी कि अगर बिजनेस की एफिशिएंसी जाननी है तो उसके लिए हमें उसका प्रॉफिट जानना जरूरी होगा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो मेज़र करती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग जैसे वट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की किस रेट से प्रॉफिट है जो कमाया गया है वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा जाएगा कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट के कम होने का कारण क्या है तो यहाँ पर कुछ रेशियोज़ को हम कैलकुलेट करेंगे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फिक्स असेट्स टर्न ओवर रेशो नेट असेट्स टर्न ओवर रेशो नेट प्रॉफिट रेशो एंड देन लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो तो आज हम कवर करके चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताती है कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल के बीच में जो ये रेशियो होती है कंप्यूट की जाती है और प्रेजेंट करती है परसेंटेज को यानी कि जब इसको सोलूट किया सोल्यूशन किया जाएगा तो इसका सोल्यूशन है जो परसेंटेज के अंदर आएगा जैसे इसका फॉर्मूला क्या रहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट को जब डिवाइड कर दिया जाता है रिवे्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल से और परसेंटेज के लिए इंटू हंड्रेड कर दिया जाता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है जो कैलकुलेट हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर रिवेन्यू ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा दिया जाएगा यानी कि सेल में से कॉस्ट घटा दी जाएगी तो हमारे पास ग्रोथ प्रॉफिट आ जाएगा अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हम ओपनिंग स्टॉक में कर देते हैं नेट को प्लस कर देते हैं डायरेक्ट खर्चे जैसे वगैरह उसमें से माइनस कर देते क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाती है इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है जब हम सेल में से ग्रोथ प्रॉफिट हटा देते हैं तब भी हमारे पास कॉस्ट है जो आ जाती है कहते नोट करने वाली बात यहाँ पे कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो लूज टूल्स होते हैं उनको यहां पे इन्वेंट्री के अंदर एक्सक्लूड किया जाएगा यानी कि शामिल हम नहीं करके चलेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिंग या सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि जो ये मेजर की जाती है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना अवेलेबल है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिगार्डिंग यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जो कमाया गया है उसको चेक करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो कैलकुलेट करते हैं हायर हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितनी ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होगा उतना ही बेटर रहेगा मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट है जो कंसर्न का वो ज्यादा किया गया है नो आइडियल स्टैंडर्ड इज फिक्स फॉर दिस इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं फिक्स किया गया जैसे करंट रेशियो करंट असेट्स का रखा गया था वैसे इसका कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन हम ये मानते हैं कि जब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो इतने हो एडिक्यूट इनफ हो कि नॉट ओनली द कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग खर्चे पूरे ना हो बल्कि जो डेप्रिशन होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्स होते हैं डिविडेंड होते हैं और इनफ इतना हो कि उसमें से हम क्रिएट कर सके रिजर्व्स को भी यानी कि सिर्फ हमें ऑपरेटिंग खर्चे खर्चे पूरे ना हो बल्कि उसके अलावा जो डेप्रिशिएशन है इंटरेस्ट ऑन लोन है डिविडेंड है और रिज़र्व का क्रिएशन है ये भी हमारा पूरा होना चाहिए प्रॉफिट में से जो ये रेशो ये कंपेयर करते हैं जब ईयरली ईयर्स रेशो के साथ तो उसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं कंपेरिजन करके तो यहाँ से हमें कंपेरिजन करके पता चल जाता है कि अगर डिक्लाइन हो रहा है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में प्रीवियस ईयर के कंपेयर करें तो उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा तो सबसे पहला कंक्लूज़न है कि प्रॉफिट कम क्यों गया कहते हैं कि अगर प्राइस है जो मटेरियल परचेज़ किए फ्रेट के वेजेस के, के और अदर डायरेक्ट चार्जेस के अगर वो बढ़ गए हैं तो जो सेलिंग प्राइस है वो उसमें चेंज नहीं आया जिस चें जिस रेट से कॉस्ट में चेंज आया तो इस काम से प्रॉफिट क्या आ जाएंगे कम हो जाएंगे हम जानते हैं कि जब हम कॉस्ट के अंदर जोड़ देते हैं प्रॉफिट तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाता है एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आठ रुपये हमारे पास कॉस्ट है दो रुपये प्रॉफिट है और दस रुपये जो सेलिंग प्राइस रखा गया है अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट जो बढ़ गई है आठ से बढ़ के नौ हो गई है हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस है जो उसमें चेंज नहीं करना तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट दो से क्या हो जाएगा एक हो जाएगा क्योंकि हमें दस का दस ही सेल प्राइस रखना है पहले भी दस था अभी सेल प्राइस रखना है जैसे रो मटेरियल महंगा हो जाएगा मजदूरी महंगी हो जाएगी जो वर्कर्स काम करने वाले वेजेस महंगे हो जाएंगे तो उस कारण से कॉस्ट क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो इस कारण से जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है तो पहला कंक्लूजन क्या निकलता है अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम आ जाती है प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली तो हम देखते हैं कि जो प्राइजेज होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो क्या हो रही है हाई हो रही है लेकिन जो प्राइजेस सेलिंग प्राइजेस है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे तो इस कारण से जो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या कम चला गया है दूसरा रीज़न रहता है, है कि सेलिंग प्राइस है वो तो कम हो गया लेकिन जो प्राइजेज है मटेरियल के वेजेस वगैरह के उनमें कोई चेंज नहीं आया अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया तो अब जो रॉ मटेरियल खरीदा गया था जो वर्कर्स को वेज दी गई है जो किराया भाड़ा पे किया गया अगर उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो इस कारण से जो बीच में बचता प्रॉफिट तो वो क्या जाएगा कम हो जाएगा तीसरा रीज़न रहता है इसका कंक्लूजन कि, कि यहाँ पे कि देर में भी मिस मिसअप्रोप्रेशन थेफ्ट और पिल फ्रिज और इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर कहता मान लो कि कुछ मिस मिसअप्रोप्रेशन हो गया या गलत कुछ हो गया या फिर चोरी वगैरह हो गया इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर तो उस कारण से भी क्या होगा प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा रेशो क्या हो जाएगी ग्रोथ प्रॉफिट रेशो डाउन चली जाएगी कि देर इज़ अ फॉल इन द सेल ऑफ मोर प्रॉफिटेबल वराइटी ऑफ गुड कहता है कि जिन गुड्स से प्रॉफिट ज़्यादा होता था उन गुड्स की सेल क्या होगी कम होगी है तो इस कारण से प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा देर इज़ अ फॉल इन द प्राइज ऑफ अनसोल्ड गुड कहता है जो अनसोल्ड गुड थी उसका प्राइस कम हो गया देर बाई रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो इस कारण से जो वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो क्या आ जाएगी कम हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए हम देती हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जब मेटीरियल परचेज किया गया कि उस टाइम पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी तो मटीरियल बना करके स्टोर कर लिया गया जब स्टोर के गए उसके बाद मान लो कि प्राइस जब मार्केट के अंदर डाउन चले गए हैं तो उस कारण से जो फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि एक तो हमें हैंडलिंग चार्जेज है जो उसको स्टोरेज चार्जेज हैं जो उसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं मटेरियल के वो बढ़ जाएंगे दूसरा कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी वो भी क्या है हमारी यानी कि स्टोर के अंदर मतलब जो इन्वेंट्री है स्टोर के गए उसके अंदर हमारा फंड जमा रह गया इस कारण से जो ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा स्टेटमेंट करते एग्जाम्पल की कहता ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है ओपनिंग स्टॉक है परचेज़ है रिटर्न आउटवर्ड है वेजिज़ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तब कैलकुलेट करते हैं इसे ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दिया जाएगा जो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं परचेज प्लस कर देते हैं डायरेक्ट चार्जेस और माइनस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास क्या आ जाता है कॉस्ट आ जाती है ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन के अंदर पचास हजार से तो ओपनिंग स्टॉक ले लिया जाएगा परचेज गिवन है एक पचास से लेकिन इसमें से परचेज रिटर्न गिवन है बीस हजार से तो परचेज रिटर्न माइनस कर दी जाएगी परचेज में से उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट चार्जेस में वेजेस गिवन है दस हजार से वेजेस के बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक चालीस हजार से तो माइनस करके हमारे पास रिवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी एक लाख पचास हजार से ये तो हमें कोस्ट पर चल गई है तो ग्रोस प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दूँ कोस्ट तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट के लिए मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है ढाई लाख से तो ढाई लाख हमने रिवेन्यू रख लिया उसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं डेढ़ लाख तो हमारे पास एक लाख से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा के जी की रेशा जो, जो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट है जो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट अब हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंटेज के लिए इंटू हंड्रेड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशा आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया ये एक लाख से और हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है ढाई लाख से इंटू हंड्रेड करके हमारे पास रेशा आ जाता है इसका फोर्टी परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशा आ जाएगा फोर्टी परसेंट तो इस तरीके से बच्चों बच्चे था आई होप क्या क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं इस टॉपिक का स्टेटमेंट कवर करते हैं कहते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तीन लाख से कैश रिवेन्यू फॉम ऑपरेशन है जो वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है टोटल रिवेन्यू फॉम ऑपरेशन का परचेज जो गिवेन है तीन बीस से एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री के तो ओपनिंग से क्लोजिंग है जो वो ज़्यादा है कितने से चालीस हज़ार से मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग से कितने चालीस हज़ार रुपये से हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है उसके लिए मुझे रिवेन्यू फॉम ऑपरेशन चाहिए रिवेन्यू फॉम ऑपरेशन दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अगर हम कैश रिवेन्यू तो यहाँ पे कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो पता चल जाएगी टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं कि जो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है किस चीज़ का ट्वेंटी फाइव परसेंट है टोटल रिवेन्यू का टोटल रिवेन्यू का तो उसको हम हंड्रेड ले, ले लेते हैं अगर क्रेडिट रिवेन्यू का हो तो हमें क्रेडिट रिवेन्यू को हंड्रेड ले लेते यहाँ पे कैश रिवेन्यू जो कहता है टोटल रिवेन्यू का ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो कैश रिवेन्यू ट्वेंटी फाइव परसेंट है परसेंटेज को हंड्रेड से डिनोट करते तो इसका आंसर टोटल रिवेन्यू का तो टोटल रिवेन्यू को हमने हंड्रेड ले लिया तो यहाँ से हमें गैप है जो सेवेंटी फाइव क्रेडिट रिवेन्यू का पता चल जाएगा हमें जो टोटल रिवेन्यू चाहिए तो टोटल रिवेन्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल रिवेन्यू कहता क्रेडिट रेवेन्यू तीन लाख से है क्रेडिट रिवेन्यू तीन लाख से तो क्रेडिट कितना है हमारे पास सेवेंटी फ़ाइव तो हमने टोटल रिवेन्यू निकालना है टोटल रिवेन्यू कितना है हमारे पास हंड्रेड तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार लाख जो आ गया हमारे पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है हमने अब टोटल रिवेन्यू तो कैलकुलेट कर दिया दूसरा हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ प्लस करते इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करते इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हमारे पास कोर्स आ जाती है अब क्वेश्चन में हमें एक वर्डिंग बोली हुई है कि जो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कहते जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग के कितने ज़्यादा चालीस हज़ार से हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे रखा है ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करके रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की है तो कितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कितने से ज्यादा चालीस हजार से तो क्लोजिंग स्टॉक का आगे जो साइन होता है वो माइनस का तो इस कां से यहाँ पे जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो समय है माइनस का फोर्टी थाउजेंड है जो लेके चलेंगे हमें इंडिविजुअली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पता लेकिन इन दोनों का डिफरेंस बता है कहते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग के फोर्टी ज्यादा है तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस को क्या करता है डिनोट करते हैं क्लोजिंग क्या होता है माइनस में दिखाया जाता है तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का जो गैप है वो हम बाद में रखेंगे पहले परचेज ले लेते हैं परचेज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है तीन लाख बीस हज़ार से तो तीन लाख बीस हजार हमने परचेज ले ली है तो उसके अलावा हमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन तो यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है जो हम यहाँ पे लेते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग तो यहाँ हमें फोर्टी थाउजेंड से गिवन है तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास दो लाख अस्सी हज़ार से क्या आ जाते हैं कॉस्ट आ जाती है अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल रिवेन्यू जो हमने कैलकुलेट की थी चार लाख ,00 रुपये से और यहाँ पे जो कॉस्ट है दो अस्सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा एक लाख बीस हज़ार से तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीपल कर देंगे इसको हंड्रेड से तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशो आ जाएगा हमने कैलकुलेट किया ग्रोस प्रॉफिट एक लाख बीस हज़ार से और जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया था वो चार लाख ,00 से इंटू में हंड्रेड करके तीस परसेंट से हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है जो आ गई है इस तरीके से बच्चों समता आई होप क्या क्लियर हो गया होगा एक एग्जाम्पल और कवर करते हैं इस टॉपिक का स्टेटमेंट कहते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है हमने तो डाटे में कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कहता वन है वन थर्ड है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है वन फोर्टी तो यहाँ पे कैश रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू गिवन है तो यहाँ से क्रेडिट रिवेन्यू जो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू करके टोटल रिवेन्यू जो जो आते हैं नेक्स्ट कहते हैं कि कैश परचेज है जो ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट है क्रेडिट परचेज का और कैश परचेज गिवन है हमारे पास तो यहाँ से कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ दोनों को ऐड करके टोटल परचेज़ पर चल जाएगी नेक्स्ट कहते हैं ओपनिंग स्टॉक का जो तीस हज़ार क्लोजिंग स्टॉक का जो दस हज़ार वो ज़्यादा है किससे ओपनिंग इवेंट्री से अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री टेन थाउजेंड ज़्यादा ओपनिंग से अगर तीस या तीस प्लस दस करके चालीस क्या हो जाएगा फिर अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा और कैरीज है जो हमारे पास बारह हज़ार हैं तो हमें ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट करनी है अगर हम कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास है जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो पता चल जाएगा कहते हैं कि जो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन थर्ड है कैश कितना है वन कि थर्ड है किस चीज़ का टोटल का तो जिस चीज़ का बोला तो उसको मैं क्या मान लूँगी टोटल को एक मान लूँगी तो यहाँ पे बीच में जो गैप आएगा टू बाई थर्ड वो किसी चीज़ का जाए क्रेडिट रिवेन्यू का तो यहाँ पर कहता है कैश रिवेन्यू वन थर्ड है टोटल रिवेन्यू का तो कैश तो वन थर्ड है टोटल का मैंने वन ले लिया तो बीच में गैप किसी आ गया क्रेडिट का तो यहाँ पे हमें गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मैं यहाँ से टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो कैलकुलेट कर सकती हूँ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मैंने देखा कि मेरे पास जो डाटा गिवन है एक लाख चालीस हज़ार किस चीज़ का गिवन है ये कैश रिवेन्यू का कैश रिवेन्यू मेरे पास कितना है वन थर्ड तो ये वन थर्ड के हिसाब से है तो मैंने टोटल रिवेन्यू यानी कि वन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना है तो जब हम इसको सोल आउट करते हैं एक लाख चालीस हज़ार तो ये पलट जाएगा इक्वेशन तो तीन बटा एक हो जाएगा तो हमारे पास चार लाख बीस हज़ार के आ जाएगा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा टोटरी फ्रॉम ऑपरेशन पता चला गया उसके बाद कहता है कैश परचेज़ है जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है क्रेडिट परचेज़ का अगर हम कैश परचेज़ प्लस करते हैं उसके अंदर क्रेडिट परचेज़ तो हमारे पास टोटल परचेज़ है जो आ जाता है यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है टोटल परचेज़ आ जाता है कहते कि जो कैश परचेज है कैश परचेज ये ट्वेंटी फाइव परसेंट है किस चीज़ का क्रेडिट का तो मैंने क्रेडिट को क्या लेना है हंड्रेड ले लेना है और टोटल इससे आ जाएगा हमारे पास परचेज वन ट्वेंटी फाइव तो हम यहाँ से टोटल परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल परचेज टोटल परचेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में कि है कहता कैश परचेज पर पचास हज़ार है कैश परचेज पचास हज़ार है तो अपने पास कैश परचेज कितनी है पच्चीस तो मुझे टोटल परचेज यानी कि एक सौ पच्चीस के हिसाब से जो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ढाई लाख रुपये के आगे मेरे पास टोटल परचेज आ गई है हमें क्वेश्चन के लिए दो चीज़ चाहिए होती है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दूसरा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका डिफरेंस क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्राम ऑपरेशन के लिए जब हम ओपनिंग स्टॉक में प्लस करते हैं परचेज़ प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं जो ओपनिंग स्टॉक है वो थर्टी थाउजेंड से है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिविन है तीस हज़ार से परचेज़ हमने कैलकुलेट किए यहाँ पर ढाई लाख रुपये से प्लस कर देंगे ढाई लाख डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास कैरिज पड़ा है बारह हज़ार से और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहता है ओपनिंग थर्टी तो है कहते क्लोजिंग तो इससे दस हज़ार ज़्यादा है तो थर्टी प्लस टेन करेंगे इसमें तो फोर्टी थाउजेंड से हमारे पास क्लोजिंग ट्वेंटी आ जाएगा सोल आउट करके हमारे पास बन जाएगी कॉस्ट ऑफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब तीस हज़ार प्लस ढाई लाख करेंगे प्लस बारह माइनस चालीस हज़ार करेंगे तो हमारे पास दो लाख बावन हज़ार है जो आ जाएगा अब यहाँ से हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे जब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जब माइनस करें तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर चार लाख बीस हज़ार अब कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया टू लाख फिफ्टी टू थाउजेंड से तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारे पास एक लाख अड़सठ हज़ार तब यहाँ से हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हम ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीपल कर देंगे हंड्रेड से तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने एक लाख अड़सठ हज़ार और टोटल इवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चार लाख बीस हज़ार है इंटू हंड्रेड करके तो हमारे पास फोर्टी परसेंट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशा जो आ गई है इस तरीके से बच्चों समता आई होप क्या का क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट जो रेशो बनती है हमारे पास कवर करेंगे ऑपरेटिंग रेशो विद एग्जाम्पल कवर करेंगे उसे भी ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स वोशंसी को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें